हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? सो आप सभी का वेलकम है इस न्यू सीरीज में, जहां पर हम बात करने वाले हैं न्यू एग्जाम पैटर्न फॉर सीबीएसई ग्रेड 10। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सिचुएशन, सीबीएसई बोर्ड ने उनके एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंजेस किए हैं, राइट? जैसे इस बार एग्जाम होने वाली है 2 टर्म्स में, करेक्ट? सो हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना? सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? ओके, चलो लेट्स बिगिन। सो इस बार का एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा है, राइट? एग्जाम टर्म 1 एंड टर्म 2। ओके, सो टर्म 1 में यूजुअली ये एग्जाम कब होने वाला है? नवंबर दिसंबर में। ठीक है, टर्म 1 होगा नवंबर दिसंबर में। पहले सीबीएसई 10 बोर्ड में क्या होता था कि एक ही एग्जाम होता था, फाइनल एग्जाम, जिसको हम बोर्ड एग्जाम बोलते थे, और वो होता था मार्च में, है ना? बट अभी ऐसा नहीं है। नाउ द होल सीबीएसई सिलेबस, द एग्जाम थिंग, एवरीथिंग, दे हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 नवंबर दिसंबर में होने वाला है, एंड इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे एमसीक्यू, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, जहां पर क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया होगा, राइट? एंड उसके 4 ऑप्शंस होंगे, करेक्ट? आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसमें क्या होगा, एमसीक्यूज, सम एमसीक्यूज वुड बी बेस्ड ऑन योर टॉपिक, राइट? सम एमसीक्यूज वुड बी बेस्ड ऑन केस स्टडीज, केस बेस्ड एमसीक्यू। मतलब क्या होता है इसमें, जैसे एक पैराग्राफ देंगे, आपको पैराग्राफ को रीड करना है, उसके हिसाब से वो लोग आपको 4-5 क्वेश्चन देंगे, मे बी आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कुछ ऐसे कुछ उसमें से आपको आंसर करने हैं। ठीक है, वो भी एमसीक्यू ही होंगे, राइट? आफ्टर दैट एक न्यू पैटर्न है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये, असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन इन एमसीक्यू में। ये 3rd पैटर्न देखिए यहाँ पर है, असर्शन एंड रीजन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, 2 सेंटेंसेस होंगे, एक होगा असर्शन, एक होगा रीजन। आपको उसके हिसाब से दोनों ही सेंटेंसेस को प्रॉपरली रीड कर करके एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, मे बी समटाइम्स आपको लगेगा कि हाँ असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, करेक्ट? सो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको आंसर देने होंगे, राइट? सो ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सीरीज। ठीक है, यहाँ क्या करने वाले हैं, हम ऐसे ही टाइप के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, और इन दिस फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर आपका मैक्सिमम लेट्स से 50% ऑफ सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई व्हाट दे हैव टोल्ड कि 50% सिलेबस जो है आपका फर्स्ट टर्म में आने वाला है, तो हम उसी सिलेबस की यहाँ पर इस सीरीज में अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो द गुड पार्ट इज कि यहाँ हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे आप लीजिए एमसीक्यूज, केस बेस्ड, असर्शन, रीजन, सारे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप एकदम बिल्कुल अपना 100% दे करके इस सीरीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आई थिंक कि आपकी एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन होने वाली है फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ओके, चलो अनदर थिंग इज व्हाट, इस टर्म 1 एग्जाम्स का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स। टर्म 1 एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स, एंड आई गेस मैक्सिमम मार्क्स है 50। ओके, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 50 स्कोर कर सकते हैं इसमें, है ना? तो चलो लेट्स डिस्कस टर्म 1 एग्जाम के टॉपिक्स, राइट? इस जैसे कि इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री की बात करने वाली हूँ। केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, इन टर्म 1 देयर आर 3 टॉपिक्स, केमिकल रिएक्शन, सेकेंड क्या है एसिड एंड बेसिस, एंड थर्ड व्हाट डू यू हैव, थर्ड इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो हम उसी से बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। हेलो दोस्तों, वंस अगेन, सो जैसे कि हम लोगों ने बात की थी, हम सारे चैप्टर्स यहाँ पर, सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिसॉल्व इन वाटर, द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड वुड बी, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। तो जब आप ब्लू कलर के क्रिस्टल को वाटर में डिजोल्व करोगे तो कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा, है ना, राइट। सो आंसर शुड बी व्हाट, सी, ब्लू, ठीक है। एक नाम होता है आपने सुना होगा, ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लू विट्रियोल। इसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। ओके, ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ, ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट, राइट, हाइड्रेटेड क्रिस्टल, जहां पर हमारे पास क्या है, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड हैं, राइट, ओके। एक सिमिलर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ग्रीन विट्रियोल, ओके, सपोज कभी एग्जाम में ब्लू विट्रियोल नहीं आया, ग्रीन विट्रियोल आ गया तो क्या करेंगे, है ना। देखो, एक होता है हमारे पास ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ओके, ग्रीन विट्रियोल किसको कहते हैं, फेरस सल्फेट, FeSO4.7H2O। क्या डिफरेंस आ गया है, एक तो यहाँ पर फेरस सल्फेट है, Fe है, आयन है, ठीक है, उसके साथ में 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड, ठीक है, मतलब यहाँ पर कितने हैं, 7 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल, गॉट इट, है ना। चलो अब ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो सेकेंड क्वेश्चन कहता है, व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीसेस, ओके, टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, फाइन, एक टेस्ट ट्यूब में जिंक पीसेस ले लेते हैं पहले, फिर उसमें डाइल्यूट HCl डाल देंगे, ठीक है। सो क्या होना चाहिए, देखो पहली चीज तो ये माइंड में लेकर आ जाओ कि HCl और जिंक, दैट मीन्स यहाँ पर रिएक्शन है इन बिटवीन एसिड एंड मेटल, एसिड एंड मेटल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज वॉट, नो चेंज टेक प्लेस, नो नो नो, अभी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना, एसिड और मेटल तो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स येलो, पंजेंट स्मेलिंग गैस गेट्स लिबरेटेड, नहीं 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 नहीं, ठीक है, स्मॉल बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ जिंक, ओके, तो ये हमारा है करेक्ट आंसर। क्यों होगा, एक बार हम रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, देखो क्या है रिएक्शन, सपोज हमने लिया जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब, मेटल, या ओके, मेटल के साथ हमने क्या लिया, एसिड, ठीक है। अब क्या हुआ, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से, सो इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहां पर क्या बनने वाला है, जिंक रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, बेसिकली वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है ना, तो जिंक बना देगा ZnCl2, ये हो गया हमारा सॉल्ट, और हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो हाइड्रोजन बेचारा अकेला क्या करेगा, नथिंग, राइट, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन, अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म अ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। सो मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। नाउ एक और टाइप का क्वेश्चन है विच आई हैव सीन समवेयर, कि जब आप एसिड और मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, देन समटाइम मेटल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस, मेटल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ एसिड, why, what is the reason, so reason is what, because hydrogen bubble gets stick to the metal surface, so because of wo gas ke bubbles se na metal hamara float karne lagta hai, theek hai, got it, chalo isi tarah dekhte hain third question, theek hai, so hamara third question yahan par kehta hai, PbS react with ozone, okay, and form PbSO4, ठीक है भाई, मतलब इसने reactant और product दोनों ही बता दिए हैं, ठीक है। So as per the balanced equation, molecule of ozone required for every one molecule of PbSR. Super easy question. What do you have to do? You just have to balance the equation, right? देखो क्या करना है, पहली बात तो आप ये समझ लो कि ozone जो है powerful oxidizing agent है. Ozone is what? Powerful oxidizing agent, okay? Oxidizing एजेंट, ठीक है, ये क्या करेगा, पीबीएस के साथ रिएक्ट करके पीबीएस को कन्वर्ट करेगा पीबीएसओ4, ओके, लेड सल्फेट, राइट, एंड रिमेनिंग इट विल रिलीज सम ऑक्सीजन एज वेल, ठीक है, वो क्या करेगा, थोड़ा ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, राइट right? अब इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन यू बैलेंस दिस इक्वेशन, ओके, यू विल गेट दैट ओजोन
4 molecule of ozone is required and 4 molecule of oxygen will be produced. Okay, so according to balance equation, what should be the answer? Right, simple hai, ab to clear ho gaya. How many molecules of ozone is required? 4, right? The molecule of ozone is required for every 1 molecule of PBS is what? 4. ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है. बिकॉज ओजोन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो वो लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन कर रहा है, राइट? दैट मींस पीबीएस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, गॉट इट, राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ. सी हाउ इजी क्वेश्चन इज दिस. केमिकली रस्ट इज वॉट? रस्ट क्या होता है? ठीक है, सो हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ओनली फेरिक ऑक्साइड, नन ऑफ दिस. पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि फेरस ऑक्साइड क्या है, फेरिक ऑक्साइड क्या है, कहाँ हम फेरस यूज करेंगे, कहाँ फेरिक यूज करेंगे. समझ में आया? ठीक है, चलो. सो फेरस ओके, फेरस हम यू नो राइट कि Fe के पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है. मोस्टली स्टेबल वैलेंसी जो होती है आयन की वो 2 टाइप की होती है, Fe2 प्लस and Fe3+. There are 2 types of oxidation number of ion, right? 2+ and 3+. So, अगर आपका कोई compound है जिसमें iron हमारा 2+ valency show कर रहा है, iron हमारा 2+ valency show कर रहा है, वो compound का नाम कहाँ से start होता है? Ferrous से. Okay? उसमें क्या involved होता है? Ferrous. और ऐसा कोई compound है जहां पर वो आयन की वैलेंसी 3+ होती है, ओके, और आयन का ऑक्सीडेशन नंबर 3+ होता है, उस कंपाउंड का नाम क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है? फेरिक. फेरिक, ठीक है. ठीक है, अब बताओ रस का फॉर्मूला क्या होगा. देखो रस का फॉर्मूला क्या होगा, सोचो सोचो सब लोग. रुको, आयन प्लस एयर, एयर में किससे रिएक्ट करता है वो? ऑक्सीजन से एंड वॉटर से. ठीक है, तो क्या बना देगा वो? Fe2O3 डॉट XH2O. ओके, डॉट XH2O. सो XH2O की प्रेजेंस से इतना तो क्लियर हो गया है कि ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल है. ठीक है, मतलब हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल है, राइट? अब Fe2O3, देखो Fe2O3 क्या है? आयन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2. आयन की वैलेंसी कितनी है यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 3, है ना? देखो तभी तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में फॉर्मूला बना है, Fe2O3. गॉट इट, राइट? सो यहाँ पर Fe2O3 है, राइट? एंड आयन की वैलेंसी फिर हमने कितनी बताई है? 3 यहाँ पर, राइट? सो क्या होना चाहिए? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. गॉट इट, राइट? चलो अब वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, एक और चीज मुझे बता दो. अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास फॉर्मूला है, तुम लोगों के पास में क्या फॉर्मूला है? FeO, तो फिर व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? बोलो, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? देखो, पे अटेंशन अगेन. FeO फॉर्मूला कहां से आया है? Fe और ऑक्सीजन से, ऑफकोर्स, है ना? ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती ही है, राइट? आयन की वैलेंसी यहाँ पर कितनी है? 2. क्यों? बिकॉज जब ये दोनों कंबाइन होंगे सो दे विल मेक अ फॉर्मूला Fe2O2. 2 से 2 कैंसिल, सो व्हाट इज द रिजल्टेंट फॉर्मूला? FeO, है ना? बिकॉज यहाँ पर आयन की वैलेंसी 2 है, सो व्हाट शुड बी द नेम? फेरस ऑक्साइड. ओके, सो FeO का नाम क्या होगा? फेरस ऑक्साइड. क्यों होगा? बिकॉज आयन का ऑक्सीडेशन नंबर इज 2+, राइट? और Fe2O3 का नाम क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड. क्यों होगा? बिकॉज आयन की वैलेंस इज 3+, राइट? आयन का ऑक्सीडेशन नंबर इज 3+. गॉट इट, पक्का, राइट? ओके, चलो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कितना इजी क्वेश्चन है. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? अब भाई ये रिएक्शन इज नॉट करेक्ट बताना है, मतलब यहाँ तो बात आ गई है रिएक्टिविटी सीरीज की, है ना? तो पहले हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए. अब बोलोगे मैम रिएक्टिविटी सीरीज याद करना ही तो डिफिकल्ट है, कैसे करें हम? तो यहाँ पर हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज को मेमोराइज करने के लिए. ठीक है, कैसे करेंगे? पहले तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट. ZN + CuSO4 gives ZnSO4 + Cu.
ओके कॉपर रिएक्ट जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से और जिंक कॉपर सल्फेट को रिप्लेस करके क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट बनाता है. तो ये रिएक्शन तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, है ना. सेकंड, सिल्वर रिएक्ट करता है कॉपर नाइट्रेट से और क्या कर रहा है वो, कॉपर नाइट्रेट में से कॉपर को रिप्लेस करके बनाता है सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर. सो भाई सिल्वर तो यू ऑल नो वेरी वेल कि सिल्वर क्या है, सॉर्ट ऑफ इनर्ट मेटल, राइट, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इनर्ट मेटल की कैटेगरी में आता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना. तो सिल्वर तो नहीं रिप्लेस कर सकता कॉपर को, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट. कैसे करेगा ना, रिएक्टिविटी नहीं है उसकी इतनी, है ना. तो बी शुड बी आर आंसर, है ना. फिर भी एक बार सी और डी ऑप्शन देख लेते हैं. क्या है, आयन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सो इट गिव्स कॉपर आयन सल्फेट एंड कॉपर. यस, आयन कॉपर को रिप्लेस करता है क्योंकि आयन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है. सो देखो इसका ना एक एक्सपेरिमेंट होता है, तुम लोगों ने आई थिंक तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा. कैसा एक्सपेरिमेंट है कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, जैसे मेरे पास एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, मैंने उसमें डाला है एक आयन नेल, ठीक है. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू आवर्स, क्या देखोगे आप लोग कि वो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो गया है. ब्लू कलर का सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया है. क्यों चेंज हो गया? बिकॉज वो ब्लू कलर के सॉल्यूशन में से कॉपर को ये आयन ने रिप्लेस कर दिया है, है ना. सो नाउ अब नया सॉल्यूशन हमारे पास क्या बन रहा है, आयन सल्फेट. ओके, दैट मींस आयन कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl. यस, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, है ना. इट विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है. सो ये तो एक हमारा ये एक हमारा बेसिक आइडिया था अबाउट रिएक्टिविटी एंड ऑल. मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, आपको एक ट्रिक बताती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज को मेमोराइज करने के लिए. कैसे हम लोग मेमोराइज करेंगे, देखो हमारे पास दो प्रोसेस है, एक हिंदी वाला है एक इंग्लिश वाला है, जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है. सो एक आपने एक सेंटेंस सुना होगा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है. तो मैं पहले वो लिखती हूँ, काशी नाथ का माली आलू आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता है, पकाता है. बाप रे, स्पेस कम पड़ गया. अच्छा चलो ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं. काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, इसमें के क्या हो जाएगा हमारा, काशी क्या हो जाएगा, के पोटेशियम, नाथ बताओ क्या होगा, नाथ एन ए सोडियम, है ना. फिर का माली, का माली अब का क्या होगा, सी ए. ओके, बिकॉज हमने के तो यहाँ पर कवर कर दिया, तो सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, सी ए. ओके, माली, माली में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, है ना. फिर आलू जरा फीके पकाता है, आलू 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 में हमारा है एल्यूमिनियम, जरा जिंक, फीके पकाता है, फीके में क्या लिखोगे, फी से, एफ से क्या स्टार्ट होगा पीरियोडिक टेबल में, जो हमारे माइंड में याद भी हो, आयन, है ना. आयन पकाता है, पकाता है में क्या बताओगे, पकाता है प प प प पी बी प्लम्बम लेड, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है. अभी यहाँ हमारी सीरीज कंप्लीट नहीं होती है, इसके बाद में क्या है हमारे पास में, आफ्टर ये हाइड्रोजन, ओके, फ्रॉम आफ्टर हाइड्रोजन यू गाइज हैव टू कंटिन्यू. आफ्टर हाइड्रोजन क्या आएगा, कॉपर, एच जी, सिल्वर एंड गोल्ड. अब इतना बात तो हो गई कि ये यहाँ पर हमको पता चल गया है इस सीरीज में, ठीक है, हाइड्रोजन तक हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है. अब क्या हुआ कि किसी ने माली की बुराई करी है कि भाई काशीनाथ का माली आलू फीके पकाता है, माली की बुराई कर दी. अब माली आया सामने, वो बोलता है कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ आओ, हाँ ओके, दैट मीन्स कौन है, कॉपर, आगे आगे कौन है मींस एच जी मर्क्यूरी, आगे मींस ए जी, एंड कॉपर के लिए यू हैव सॉरी गोल्ड के लिए यू हैव सिंबल ए यू, आओ ए यू, ओके ए यू, गॉट इट, एवरीथिंग इज क्लियर. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज. नाउ द
अपर मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एज यू गो डाउन रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग इन दिस सीरीज ओके एज यू गो डाउन रिएक्टिविटी इज डिक्रीजिंग एज यू गो अप रिएक्टिविटी इज इंक्रीजिंग सो ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इतना क्लियर हुआ राइट ठीक है चलो बोर तो नहीं हो रहे हो ना अभी तो हम लोगों को और 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं आज के इस वीडियो में कवर ठीक है सो ये है, एक है हमारा हिंदी वाला ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इंग्लिश की व्हाट शुड आई से इंग्लिश के पोएम भी बताऊंगी विच विल हेल्प यू टू लर्न द सीरीज ओके ऑफ रिएक्टिविटी ठीक है चलो ओके ओके बच्चों सो एज आई सेड कि अभी हम हिंदी वाला एक्टिविटी सीरीज लर्न करने के बाद में वी विल सी दैट हाउ कैन आई लर्न दैट विद सम इंग्लिश राइम ठीक है सो देखो क्या है द रिएक्टिविटी सीरीज इज द सेम नाउ सी सम इंग्लिश वर्ड्स ओके ओवर देयर जिसको जो भी इजी हो वो उसमें लर्न कर सकता है मेरे लिए दोनों ईजी है ठीक है सो आई हैव लर्न इन द बोथ राइट ओके क्या है इन इंग्लिश प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा देखो प्लीज मीन्स व्हाट पोटेशियम स्टॉप सोडियम एन ए ठीक है कॉलिंग सी ए कॉलिंग कैल्शियम राइट मी मैग्नीशियम ए एल्यूमिनियम क्यूट कार्बन ठीक है क्यूट ज़ेब्रा कार्बन ज़ेब्रा जिंक ओके प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा ओके सो हाँ हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं यस प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा टिल जिंक वी आर डन ठीक है आयन आई लाइक आयन लेड ओके आई लाइक हर ओके अब देखो क्या है आई लाइक हर कॉलिंग आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय राइट ओके कैसा हुआ आई मीन्स आयन ठीक है एफ ई आयन लाइक लेड पी बी लेड हर हाइड्रोजन राइट कॉलिंग कॉलिंग कॉपर हियर द नेक्स्ट कॉलिंग इज कॉपर फर्स्ट कॉलिंग वॉज कैल्शियम डोंट गेट कंफ्यूज ठीक है स्मार्ट सिल्वर ठीक है गाय गोल्ड A U simple hai right okay next what we have so here we have learned the full reactivity series okay in Hindi as well as in English done okay chalo let's do 6th question now dekhte hain 6th question mein kya hai fir se it is based on reactivity series only hai na now it should be easy for you theek hai so ab kya karna hai copper displaces which of the following metal from its salt solution कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन तो देखो कॉपर क्या है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर इट इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड फाइन ये तो है अब यहाँ पर क्या है जिंक कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक सो इट कांट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन आयन राइट आयन इनफैक्ट इज मोर रिएक्टिव है ना आयन की रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से ठीक है तो क्या हो जाएगा आयन को भी वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता ठीक है अब क्या है नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट यस तो देखो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर सो इट कैन डिस्प्लेस और इट कैन रिप्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन ठीक है क्या करेगा कॉपर को जब आप सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाओगे ना तो वो सिल्वर को बोलेगा तू जा मैं रिएक्ट करूंगा नाइट्रेट के साथ में ठीक है सो कैसे होगा द रिएक्शन शुड बी सी यू प्लस AgNO3 yeah okay so copper reacts with silver nitrate okay and it forms what CuNO3 twice plus CuNO3 twice plus what silver pay attention on the formulas when hum when we were talking about silver nitrate jab hum silver nitrate ki baat kar rahe the kya formula tha AgNO3 ठीक है एक ही NO3 था हमारे पास when we were talking about copper nitrate now यहाँ पर NO3 twice हो गया टू एनओ थ्री आ गए क्यों हुआ है ऐसा देर इज अ रीजन वट इज अ रीजन कॉपर का वैलेंसी है टू नाइट्रेट आयोन एनओ थ्री वन माइनस राइट सो एनओ थ्री का वैलेंसी इज वन राइट सो वेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई ईच अदर वेन यू राइट द फॉर्मूला इट शुड बी सी यू
NO3 twice. ठीक है, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट सिल्वर नाइट्रेट, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट की बात करती हूँ तो सिल्वर का वैलेंस इज 1, नाइट्रेट का वैलेंस इज ऑल्सो 1. व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई ईच अदर, व्हाट शुड बी द फॉर्मूला देन? इज यू नो 3, सिंपल है ना. चलो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट 7th क्वेश्चन. इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलिसिस हैपेंस, ओके, एनोड हैज व्हाट? एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वॉट, राइट? सो पहले तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल दैट मीन्स वॉट? एक हमारे पास ऐसा एक वेसल होता है, नॉट एक्चुअली द वेसल, दैट बैटरी का मे बी यू कैन से ग्लास और वॉट से बीकर, ओके, अ सेल. ठीक है, यहाँ पर एनोड होगा, देन हियर एट दिस साइड यू विल हैव कैथोड. सो एंड हियर दिस बैटरी सेल वुड बी फिल्ड विथ वॉट? इलेक्ट्रोलाइट. ये सेल में क्या होगा? पूरा इलेक्ट्रोलाइट. ओके, इलेक्ट्रोलाइट. दिस इज कनेक्टेड विथ वॉट? अ बैटरी. सिंपल, राइट? ठीक है, ये बैटरी दिख रहा है क्या? मतलब बहुत ही छोटा सा बैटरी मैंने कनेक्ट किया है, बट इट शुड बी विजिबल, है ना. बैटरी का पॉजिटिव साइड आई हैव कनेक्टेड विद एनोड एंड नेगेटिव साइड आई हैव कनेक्टेड विद कैथोड. ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज बैटरी का पॉजिटिव साइड कनेक्ट कर दिया है एनोड से, तो एनोड वुड बी पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव साइड कनेक्ट किया है कैथोड से, तो कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, अब देखो व्हाट इज द रीजन व्हाई एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज. सो यू नो व्हाट, एनोड पे क्या होता है, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एनोड से कैथोड पर. मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हैपनिंग फ्रॉम कहां से? एनोड से कैथोड. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग अवे फ्रॉम व्हाट से? एनोड टू कैथोड. इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग अवे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दैट इज व्हाई एनोड इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग टुवर्ड्स कैथोड. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ रहे हैं? कैथोड के पास में आ रहे हैं, है ना. कैथोड इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई कैथोड इज क्या है? नेगेटिवली चार्ज. गॉट इट? So this is positive and this is negative. So answer should be what? Positive charge. Correct? Anode carries a positive charge. Now the reaction of H2 plus Cl2 gives HCl. This represents what? Now देखो, it's बहुत ही simple सा reaction है here, यहाँ पर, है ना. कैसा है? A plus B combining to form what? AB. तो देखते हैं क्या type है reaction का. Oxidation, reduction, decomposition or combination. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या दिख रहा है? ए प्लस बी दे आर कंबाइनिंग. ए प्लस बी दे आर कंबाइनिंग टू इच अदर टू फॉर्म व्हाट? ए बी. तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, है ना. अब आप लोग पूछ सकते हो, मैम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्यों नहीं है? वो भी हो सकता है ना, लेकिन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों थिंग यहाँ पे क्या हो रही है? साथ में हो रही है. ठीक है, सो या तो ये दोनों होना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर कॉम्बिनेशन. ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन, इसीलिए ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर. ठीक है, राइट? ओके, 9th क्वेश्चन. इन द रिएक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड एंड कार्बन इट फॉर्म्स व्हाट? लेड ऑक्साइड, सॉरी, लेड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो देखो क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड से पहले ऑक्सीजन तो रिलीज हो रहा है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स क्या हुआ? रिडक्शन, राइट? एंड कार्बन इज गेनिंग ऑक्सीजन, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. करेक्ट, सो लेड ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड, इज इट? नहीं, लेड ऑक्साइड तो रिड्यूस हो रहा है ना. फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. सेकेंड, कार्बन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, देन कार्बन कैसे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा? दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, है ना. कार्बन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? सो यस, दिस इज करेक्ट. सी, कार्बन ने क्या किया? लेड ऑक्साइड को रिड्यूस किया है. तो कार्बन कैसे काम कर रहा है? कार्बन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हियर, राइट? मेक सेंस टू यू? ठीक है, रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट रिडॉक्स रिएक्शन. रिएक्शन भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सो रिएक्शन इज वॉट? इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, है ना. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. गॉट इट? चलो, one last question here, 10th question. A substance which oxidizes itself and reduces another, substance which oxidizes itself and reduces another is known as what? Substance which oxidizes itself and reduces another, that is known as what? Oxidizing agent. It oxidizes itself and reduces another.
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इट? मैम ने कंफ्यूज कर दिया तो सब कंफ्यूज हो गए है ना. नहीं देखो, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. जो सब्सटेंस खुद से ऑक्सीडाइज हो रहा है या खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होता है, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. वो दूसरी कंपाउंड का रिडक्शन करवा रहा है. तो रिड्यूसिंग एजेंट, ओके रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहां पर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ठीक है, क्लियर हुआ? ये तो नहीं हो सकता, ए एंड बी बोथ तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. नन ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? ओके चलो, बाय एवरीवन, एंजॉय, मजे करो और अच्छे से पढ़ाई करो. ठीक है, बाय.